नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र देव और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम राजनीति। लॉकडाउन 3 जारी है, मजदूरों की तकलीफ तो पहले दिन से जारी है, लेकिन उनकी तकलीफ कम करने के लिए बहुत सारे वादे किए गए, बहुत सारे दावे हैं और इसमें कोई शक नहीं कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री मजदूरों के हितों के लिए चिंतित दिखते हैं, इसके लिए योजना बनाई गई है। इसके बावजूद मजदूर जिस तरीके से घर वापसी कर रहे हैं वो तस्वीरें परेशान करने वाली हैं, दुखी करने वाली हैं और आज हम इसी बात पर चर्चा करने वाले हैं और इसीलिए शुरुआत हम आपको उन तस्वीरों के साथ दिखाने से करने जा रहे हैं जो इनकी घर वापसी की तकलीफ बता रही हैं। लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा और झांसी, 4 जगहों की तस्वीरें आप देख रहे हैं और इन 4 तस्वीरों में आप घर वापस लौटते यानी कि अलग अलग राज्यों से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड और बिहार वापस लौटते मजदूरों की आप तकलीफ देख सकते हैं। पैदल ही निकल पड़े, रेलवे ट्रैक पर निकल पड़े, जो समझ में आया वैसे किया, किसी भूख प्यास की चिंता नहीं, जबकि बहुत जबरदस्त उन्हें भूख लगी, प्यास लगी, तकलीफ हुई, वो आगे बढ़ते रहे और कहीं पर ऐसे दृश्य आए जहां पर उनको प्रशासन ने रोक दिया आगे बढ़ने से, उनके लिए कोई इंतजाम नहीं था। इसीलिए हमने आपको ये 4 तस्वीरें दिखाई हैं, ये तकलीफ क्यों। अब हम आपको अलग से किस्सा बताते हैं इन 4 तस्वीरों से आगे बढ़कर। आज शाम को जो आगरा और फिरोजाबाद की सीमा पर हुआ वो आप तस्वीर देखिए, वो तस्वीर आपको भी परेशान कर सकती है, भावुक कर सकती, तकलीफ देखिए आप। सबसे पहली बात तो सरकार ने लॉकडाउन कर दिया, ठीक है, हमने सरकार का पूरा सहयोग किया, 42 दिन हमने किसी प्रकार का कोई कदम नहीं उठाया। सरकार ने गाइडलाइन जारी करी, मजदूरों को घर भेजो, हमारे लिए कोई कागजी केवल कागजों में कार्रवाई हो रही है। हमारे पास में 5 साइटें हैं, 5 मोबाइल नंबर हैं, नोडल अधिकारी की बाकायदे रिकॉर्डिंग है, बात किस लहजे में करते हैं वो। आज हम थक करके 3 दिन हो गए हमको हरियाणा से पैदल चलते हुए, यहाँ पर सुबह 7 बजे आ गए थे और यहाँ के प्रशासन ने हमको बैठा दिया। सरकार कह रही है कि हम बहुत व्यवस्थाएं करा रहे हैं मजदूरों के लिए। वो भले व्यवस्था करा रहे, कुछ नहीं, कुछ नहीं। एक सिरे से नकार दिया आपने, देखा तमाम मजदूरों ने कि उनके लिए कोई व्यवस्था की गई है। यह अलग बात है कि जब हमने खबर दिखाई उसके बाद उसका असर हुआ है, लेकिन जब ये चीज हम रिकॉर्ड कर रहे थे, रिकॉर्ड पे ले रहे थे, उस वक्त प्रशासन के अधिकारी वहां पर खड़े थे। SDM से बात की वहां की हमारे संवाददाता ने। हमारी तहसील में जैसा कि शासन से निर्देश है, तहसील में जितने भी लोग एंट्री कर रहे हैं सबको प्रॉपर हम शेल्टर होम में रख रहे हैं, उनकी स्क्रीनिंग करा रहे हैं, उनको पर्सनल सर्टिफिकेट दे रहे हैं। अभी तक जितने लोग आए हैं उनकी प्रॉपर व्यवस्था की गई है और वो जो लोग यहाँ पे चल के आ रहे हैं वो पीछे से बॉर्डर से छोड़े जा रहे हैं, लेकिन शासन के निर्देशानुसार हमारे तहसील में जो भी एंट्री कर रहे हैं उसके लेवल पे हमारे मतलब प्रॉपर व्यवस्थाएं की जा रही हैं। हमारे लेवल पे कोई कमी नहीं की गई, जो भी मजदूर हैं सबको शेल्टर दिया गया, सबकी लिस्टिंग हो गई है और सबको उनके घर भेजने की तैयारी चल रही है। हमारे पास बसेज हैं जो सैनिटाइज्ड हैं, उनको पूरा सर्टिफिकेट दिया जा चुका है और जो भी उनके द्वारा जो छोड़ा भी गया है उनको उनकी भी हम स्क्रीनिंग और सारी व्यवस्थाएँ कराए हुए हैं। शाम होते होते 975 मजदूरों को आगरा में शेल्टर होम में व्यवस्था की गई, उनके खाने पीने के इंतज़ाम किए गए। ये तब जब हमने खबर दिखाई, जब ने इसको लाइट में लाया। न जाने ऐसे कितने हैं जो परेशान हो रहे हैं, ऐसा क्यों है, इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं आगरा से भारतीय जनता पार्टी के सांसद SP सिंह बघेल साहब, प्रयागराज से हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी जी, दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं अखिल भारतीय रेलवे मेंस फेडरेशन के राष्ट्रीय महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा जी और लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार हेमंत तिवारी जी। आप सभी का बहुत स्वागत हमारी आज की इस चर्चा में, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर इसलिए है क्योंकि इन मजदूरों के खुशहाली के बगैर न प्रदेश खुशहाल हो सकता है, न देश खुशहाल हो सकता है, न मानवता मुस्कुरा सकती है। और इसीलिए बघेल साहब मेरा पहला सवाल आपसे ही है, चूंकि राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मैं उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के रेफरेंस में बात कर रहा हूं बघेल साहब, और मुख्यमंत्री जी दावे कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी ने कहा भी है, उनके बहुत सख्त निर्देश हैं हम देख रहे हैं, उसके बावजूद भी आपने ये तस्वीरें देख ली, ऐसा क्यों है साहब? देखिए, जो दूसरे राज्यों से उत्तर प्रदेश में आना है या उत्तर प्रदेश से दूसरे राज्यों में जिनको जाना है उनके लिए एक फॉर्मेट बना हुआ है। मैंने जब दोपहर में नितिन ने बात की थी तो मैंने कहा था मैं आपको एक फॉर्मेट भी भेज रहा हूँ। एक्चुअली क्या उस फॉर्मेट से सरकार को पता चलता है कि हमारे कितने लोग बाहर हैं
और बाहर के कितने लोग हमारे राज्य में हैं, तो उसमें एक फॉर्मेट है, मैंने अपने फेसबुक पे भी डाला, व्हाट्सएप पे डाला, अपने मंडलाध्यक्षों को भी डाला, पार्षदों को भी दिया कि वो फॉर्मेट भर दें। जैसे ही वो फॉर्मेट भरा जाता है, लखनऊ जाता है, फिर संबंधित डीएम के पास सूचना आती है कि आपके जयपुर में इतने हैं, जोधपुर में इतने, उदयपुर में इतने, गाजियाबाद में इतने, या दूसरे राज्यों में इतने, महाराष्ट्र में कितने। जैसे आगरा की ये भी दिखाइएगा कि हम लोग कई ट्रेनों से बुलाया भी है, गुजरात से भी बुलाया है और महाराष्ट्र से भी बुलाया है, और लगातार ISBT जो हमारे आगरा में है वहाँ पर बसें हैं। ये जो मजदूरों को जिनको आप दिखा रहे हो, मैं फिरोजाबाद में टूंडला का भी MLA और कैबिनेट मंत्री था, और इधर एतमादपुर, ये बॉर्डर है रेलवे का पुल, एतमादपुर में विशाल मैरिज होम में जो आ रहे थे उनको रखा गया है, जनता इंटर कॉलेज में रखा गया है। अब ये जो बिना सूचना वाले हैं वो सरकार के पास आंकड़े नहीं है। आज जो पैनिक हुआ है वो उनकी हमारे पास सूचना नहीं है, जबकि एक फॉर्मेट है, जो लोग यहाँ ईस्टर्न UP या आगरा आ रहे थे, अगर वो नोएडा में हैं तो उनके घर वालों को संबंधित जिलाधिकारी के यहाँ एक फॉर्मेट बना हुआ है जिसमें नाम, पिताजी का नाम, वहाँ का एड्रेस, जहाँ आ रहे हैं यहाँ का एड्रेस, तो उनका मोबाइल नंबर, संपर्क सूत्र और उनका मकान नंबर। अच्छा, तो इस प्रकार से हजारों लोगों को, मैं बहुत आंकड़े में इसलिए नहीं कि मैं लगातार सांसद जी बिल्कुल होगा, मैं आपकी बात को डिनाई नहीं कर रहा हूं, ला रहे हैं हम आगरा के लिए, आगरा के लिए कई ट्रेन लाए। सांसद जी आपकी बात ठीक है, मैं आपकी बात ठीक है, वो फॉर्मेट होगा, वो फॉर्मेट होगा, तो हम लोगों ने इंतजाम किया उनके, वो फॉर्मेट होगा। और मैं आपकी बात ये भी मान लेता हूँ कि हो सकता है कि प्रशासन को लोगों को लाना है सर, ये हो सकता है प्रशासन को, जो जी जी हो सकता है प्रशासन को इन लोगों ने इन्फॉर्म ना किया हो, मैं आपकी बात ये भी मान लेता हूँ, पैदल चल दिए वो आंकड़े नहीं थे, आपकी बात मैं मान लेता हूँ, आपकी बात मैं मान लेता हूँ, एज इट इज स्वीकार कर लेता हूँ, हम सब मान लेते हैं। सवाल ये है कि देखिए, उन्होंने कहा कि हमने नोडल अधिकारी को फोन किया, उनके बात करने का लहजा खराब था, एक बात वो शिकायत आपने सुनी, सुबह 7 बजे से उनको ऐसे ही रोक के रखा हुआ था, जब हमने खबर दिखाई तो ख्याल आया कि इनको शेल्टर होम में रखा जाए, इनके खाने पीने का इंतजाम किया जाए। और ये कोई खाली आगरा की बात नहीं है, ये खाली आगरा फिरोजाबाद की सीमा की बात नहीं, हमने आपको कई तस्वीरें दिखाई, लोग ट्रैक पे ही चले जा रहे हैं, उनको कोई व्यवस्था नहीं हुई है, उनको कुछ नहीं मिला है, वो चले जा रहे हैं, और ये सब तब है जब लगातार इंतजाम की बात की जा रही है। मैं प्रमोद तिवारी जी को लेकर आता हूँ, सीनियर कांग्रेस लीडर है, वो जरूर टिप्पणी करना चाहेंगे इस बात पर। प्रमोद तिवारी जी, क्या कहना है आपको? देखिए, इस महामारी का किसी को अंदाज़ा नहीं था, निश्चित रूप से ये अनिश्चितता के दौर में आई है, पर मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, पूरी तरह कन्फ्यूज़न है, सरकार को ये नहीं मालूम क्या करना क्या नहीं करना। मैं एक छोटी सी बात राजेंद्र जी कहता हूँ, जी जी, जिस दिन जनता कर्फ्यू लगा था, पहले दिन जिस दिन शाम को थाली घंटी बजवाई गई थी, अगर उसी दिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ये कह देते कि हम 4 दिन के बाद, 3 दिन के बाद, जैसा सिंगापुर ने किया, ताइवान ने किया, कई देशों ने किया, हम 21 दिन का लॉकडाउन करने जा रहे हैं, तो ये हड़बड़ी नमज थी, इस तरह ताबड़तोड़ लोग ना भागते। एक चीज, 4 दिन में लोग पहुंच जाते, कितनी बारातें फंस गई, कितने बच्चे फंस गए, कितने पढ़ने वाले फंस गए, कितने मजदूर फंस गए। फिर एक अंदाज़ा होना चाहिए था, देखिए ये मजदूर उत्तर प्रदेश से अगर तमिलनाडु जा रहा है, आंध्रा जा रहा है, कहीं जा रहा है, महाराष्ट्र जा रहा है, तो किस लिए? पेट पालने के लिए, अपने बच्चों के लिए वहाँ गया। अगर आपने उसको वहाँ पर राशन दे दिया होता, अनाज दे दिया होता, तो ये भागता नहीं। मेरे पास सैकड़ों फोन है, मेरे क्षेत्र के हैं, प्रतापगढ़ के हैं, प्रदेश के हैं, जहाँ 3-3 दिन से लोगों ने खाना नहीं खा रखा है। आपका इंटरव्यू देख रहा था मैं, जो लोग पैदल चल के आ रहे हैं, 2 दिन से खाना नहीं खाया, और कल तो मेरे आंसू निकल पड़े, और किसी के अंदर भी अगर जरा मानवता होगी तो आंसू निकल पड़ेंगे। 6-7 महीने की प्रेग्नेंट औरत जिस तरह 1200 किलोमीटर के रास्ते पर निकली हुई है, हम लोगों को शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। मैं किसी दूसरे की बात नहीं करता, मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ बहुत साफ, हिमालयन ब्लंडर हुई है, ऐतिहासिक भूल हुई है, रात में 8:30 बजे घोषणा कर देना कि 12 बजे से लॉकडाउन होगा। ये कोरोना से बचा रहे थे आप, कोई ब्लैक मनी नहीं था कि लेके भाग जाता, देना चाहिए था लोगों को 2-3 दिन का समय, 4 दिन का गैप देना चाहिए था, बगल में सिंगापुर ने दिया, कई देशों ने दिया। मैं एक चीज़ कह दूँ, देश वही मजबूत होता है जहाँ का नौजवान, जहाँ का किसान और जहाँ का मजदूर सशक्त होता है। शर्माती है देखकर, जो ट्रेन से आ रहे हैं वो लोग, किराया लिया गया है,
अब लाख कहे मैं जानता हूँ, मेरे भाई बघेल मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, आज से नहीं है, जब राजनीति में नहीं थे तब से दोस्त हैं, वीर बहादुर सिंह के सरकार में ये जब राजनीति में नहीं आए थे तब से मैं जानता हूँ, आज इनकी मजबूरी इनको बोलना है, ये भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे, सरकार का पक्ष रखेंगे, पर मैं कहूँगा अगर किसी के दिल में ज़रा भी इस समय थोड़ी सी भी धड़कन होगी, थोड़ा भी एहसास होगा, हज़ारों किलोमीटर दूर से पैदल इस गर्मी में चल के आते हुए हमारे भूखे प्यासे मजदूरों के लिए सरकार को अपने खजाने खोल देना चाहिए। मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, एक मज़दूर ने जो मुझसे फ़ोन पर कहा कि साहब अगर हम बड़े आदमी होते तो विदेशों से आप लोग भेज के हवाई जहाज अपने लोगों को बुला रहे हैं और हम पैदल चल रहे हैं, ट्रेन में आ रहे हैं, हमको खाना नहीं दिया जा रहा है, पानी का जहाज जा रहा है लाने के लिए, ठीक है, तो जो बड़े लोग हैं उनकी तो बड़ी चिंता आपको, हाँ, ये पर मजदूरों की चिंता आपको नहीं, छात्रों की चिंता नहीं है। आइए हम सरकार को समर्थन देंगे, हम आपके साथ खड़े होंगे, लेकिन आंख मत बंद करिए, ये प्रोफार्मा से मजदूर नहीं आएगा, सच्चाई में शिव गोपाल जी बैठे हुए हैं, इनसे पूछिए रेल की क्षमता क्या है, आज 4-5 दिन इनको छोड़ दिया जाए। आपने बिल्कुल सही और इंगित किया है, मैं शिव गोपाल जी की तरफ ही जा रहा था, आपने बिल्कुल सही और इंगित किया है। शिव गोपाल जी, ये जो बातें कही जा रही है या जो हो रहा है मजदूरों के साथ, इसमें आपको कहां गलती दिखती है, कहां खामी दिखती है मिश्रा जी? राजन जी, पहले तो आपको और जो हमारे तीनों मित्र हैं, प्रमोद जी, हमारे साथी हेमंत और सांसद जी, उन सबको मैं ये कहना चाहूँगा अदब के साथ कि कोरोना जो है एक महामारी है, और जिस परिस्थिति से इस समय हम लोग गुजर रहे हैं, हमने तो कभी ऐसी जीवन में कल्पना नहीं की थी, ठीक बात। इस पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि राजनीति को बंद होना चाहिए, या आप राजनीति में अगर ये सोचते रहेंगे कि किसने क्या किया किसने नहीं किया, वो सवाल नहीं है, किसका दोष है किसका दोष नहीं है इसको बाद में तय कर लेंगे, पहले कोरोना की मार से बचने का काम करना चाहिए। हमने बिल्कुल इमीडिएटली जिस समय कोरोना पे लॉकडाउन हुआ उसी समय इस सवाल को लेकर के आए कि हमारे पास इसका सबसे ज़्यादा जो बीभत्स रूप देखने को मिलेगा वो इन प्रवासी मजदूरों के मार्फत मिलेगा, तो सबसे पहले इसको जो है हमको करना चाहिए। अचानक में लॉकडाउन हुआ है, हमने अपने रेल मंत्री पीयूष गोयल जी को कहा, चेयरमैन रेल बोर्ड को बोला, और तमाम जनरल मैनेजर्स से भी इस मामले पर बातचीत हुई कि किसी दिन के बाद में अगर हमने अच्छे प्रबंधन के साथ में इन कोरोना के लोगों को नहीं निकाला तो मुश्किल हो जाएगा। बहरहाल देर आए दुरुस्त आए, 1 मई को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कार्यालय ने आदेश दिया कि ये स्पेशल ट्रेन चलाई जाए, जिनकी डिमांड जो है वो हमारे राज्यों के मुख्यमंत्री कर रहे हैं, ये ट्रेड यूनियन के नेता भी कर रहे हैं, जी वो चीज़ें जो हैं वो रास्ते पर आई। जी इस बीच में एक ये भी बना कि भाई 85% इसका खर्चा जो है वो हमारे रेल भुगतलेगी, लेकिन 15% जो है वो राज्य सरकारें दे, इनके टिकट भी रद्द करे, लेकिन बीच में ये आने लगा कि अब इनका किराया नहीं लिया जाना चाहिए, फ्री में ले जाना चाहिए। अगर फ्री में ट्रेनें चला दी गई होती राजेंद्र देव जी, मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ कि हजारों लोग स्टेशन पर स्टैम्पीड होता और वहाँ लोग मरते। जितनी बेहतर व्यवस्था करके लोगों को वहाँ से लाने का काम किया जा रहा है, मैं समझता हूँ सारी राजनीति छोड़ करके इसमें हमको सबको मिलकर के समर्थन देना चाहिए, रेल कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाना चाहिए, जो लोग उनको ले करके आ रहे हैं उनका समर्थन करना चाहिए। ये एक बजाय वो करने के एक नया चुगुफा छेड़ दिया गया है, किराया हम दे देंगे तो हम दे देंगे, अच्छा भाई जिसको देना है वो राज्य सरकारों को दे दो, ये पॉइंट आपका नोटेड, इस तरीके का काम नहीं होना चाहिए, पॉइंट आपका नोटेड, आपके पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। मिश्रा जी, आप कह रहे हैं बाकी ये बात निश्चित है, आप कह रहे हैं राजनीति नहीं होनी चाहिए, ठीक बात है, लेकिन ये जो लोग 7 बजे रोक लिए गए, पटरियों पर पैदल चले जा रहे हैं, गाड़ियों में ठूस ठूस कर लाए जा रहे हैं, इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? देखिए, जिम्मेदारी जब भी तय होगी, चाहे राज्य में जो सरकार होगी उसकी होगी, जो केंद्र में सरकार है उसकी होगी, और मैं ये मानता हूं कि ये जो लोग भागे हैं इसको भगाने में जो उद्योगपति है, जो मालिक है, उनका सबसे ज्यादा हाथ है, ठीक बात। माननीय प्रधानमंत्री जी रोज कहते हैं कि नहीं नहीं इनको आप निकालिए, नहीं इनको आप तनख्वाह दीजिए, और यहाँ जो मालिक है
2500 जहाँ से आप बैठे हुए जहाँ पर वहाँ पर 2500 इंडस्ट्रीज हैं और 10 लाख से ऊपर इंडस्ट्रियल वर्कर है नोएडा के अंदर। ठीक, उन सब ने अपने प्रतिष्ठान बंद कर दिए हैं, कहा जहाँ मर्जी हो वहाँ जाइए, हम आपको तनख्वाह नहीं देंगे और जब खुल जाएगा कारखाना तो हाथ खड़े कर दिए। मिश्रा जी क्या करें, तो हाथ खड़े कर दिए, दिहाड़ी मजदूर है जो कि मुझे जेल में डाल दीजिए, हम सब नहीं दे पाएंगे। और माननीय राजेंद्र देव, ये बात सही आपकी सर, ये बात सही आपकी। मैं एक और आपसे बात करना चाहूंगा हाँ। संक्षेप में कि इस कोरोना को मजदूरों के खिलाफ एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। कोई राज्य सरकार तनख्वाहें काट ले रही है, कोई राज्य सरकार सब कानूनों पे शिथिलता ला रही है। अभी उत्तर प्रदेश में अनाउंसमेंट हो गया कि भाई इस सारा कोई कानून नहीं रहेगा, हायर एंड फायर का राइट दे दिया है, कोई ईसाई कानून नहीं लगेगा, ग्रेचुटी कानून नहीं लगेगा, नौकरी निकाले जाने का कोई कानून नहीं लगेगा, कोई भी आंदोलन का कानून नहीं लगेगा। केंद्र सरकार ने जो है वो डीए बंद कर देने का काम कर दिया। आगे आपकी बात सर, मैं हेमंत तिवारी जी को चर्चा में लेके आता हूँ। ठीक ठीक ठीक, तिवारी जी सारा विषय आपके सामने आ रहा हूँ। तिवारी जी मैं आपके पास भी आ रहा हूँ, हेमंत तिवारी जी की बात सुन लेते हैं। हेमंत तिवारी जी क्या कहना है आपको सारे विषय पर? मुझे लगता है कि सन 47 तो हमने नहीं देखा, लेकिन जो परिदृश्य देख रहा हूँ लगता है कि हम अपने ही मुल्क में रिफ्यूजी की तरह हैं। जो हमारे इस देश की बुनियाद है, हमारे कामगार, उनकी दशा वास्तव में हमको आपको आंसू आ जाएंगे, शिवगोपाल मिश्रा जी को आंसू आ जाएंगे, लेकिन मुझे बड़ा हैरत है कि ये जो लोग सियासत करते हैं और जो लोग सत्ता चलाते हैं इनके आंसू सूख गए हैं, इनको फॉर्मेट दिखता है। अरे साहब, फॉर्मेट से मजदूर की, गरीब की भूख नहीं ख़त्म होती साहब, बड़ी बुरी दशा है। क्या देख रहे हैं हम किस मुल्क में हैं? और सुनिए जी, एक बड़ी चीज़ अभी इस डिबेट के अगले हिस्से में लाऊंगा जी। सियासत आप कह रहे हो, उत्तर प्रदेश के 30-35-40 लाख कामगार प्रवासी मुंबई में रहते हैं और यहाँ उत्तर प्रदेश के नेता इल्जाम लगा रहे हैं मुंबई की सरकार सियासत कर रही है। मुंबई में लोगों की हालत है, माफ कीजिएगा, अगर आपको बांद्रा स्टेशन की भीड़ याद हो, एक मिनट घर जाने की जो ललक लगी थी, जो 20 दिन 25 दिन 40 दिन 45 दिन बेरोजगार रहेगा, 4/6 की कोठरी में 8 आदमी रहेगा, वो गांव भागेगा, वही मुल्क है, वही जमीन उसकी है। और बड़ी बुरी दशा है मुंबई में। आज भाजपा के एक नेता अमरजीत मिश्रा हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री इस बात की, मुख्यमंत्री जी ने आज मीटिंग की, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वहां से हमको जिलेवार डिटेल नहीं मिल रहा, जिलेवार डिटेल नहीं मिल रहा है तो हम कैसे लें? सही बात है, कैसे लें? वहां का मिनिस्टर कह रहा है, जो यूपी के रहने वाला है नवाब मलिक, वो कहता है कि उत्तर प्रदेश सरकार नहीं ले रही अपने लोगों को, कह रही कि हमको साहब इनका पूरा परफेक्ट जो है जांच करा के दीजिए। हम कितनी जांच कराएं? तो सियासत मत करो, जो मर रहे हैं उनको देखो और जिनके वोट आप लेते हो। मैं तो योगी सरकार को भी मैं ऐसे कोई सर्टिफिकेट नहीं दे रहा हूँ। अभी बघेल साहब बोल रहे थे, साहब आपके बॉर्डर पे क्या हो रहा है, उनको खाना क्यों नहीं मिल रहा है? आप ग्वालियर जो आ रहा है, आगरा बॉर्डर क्यों रोका जा रहा है, झांसी में क्यों रोका जा रहा है, आज फिरोजाबाद में क्या हुआ, एसडीएम के बोलने से कुछ होगा? ठीक है, बिल्कुल ठीक, भाषण से व्यवस्था नहीं सुधरती, आपको देखना पड़ेगा। और एक आखिरी बात जी, जो लोग मुंबई में 40-45 लाख जो उत्तर भारतीय वोटर हैं उनका वोट लेने जाते हैं, उन मंत्रियों की, उन उप मुख्यमंत्रियों की जिम्मेदारी क्यों नहीं लगाई योगी सरकार ने? उनकी जिम्मेदारी लगाई जिनके फोन उठते नहीं है, हजारों लोगों की शिकायत है, ऑन रिकॉर्ड शिकायत है। बिल्कुल ठीक बात है, भाग है। आज अमरजीत मिश्रा की बात के बाद शायद सरकार कुछ एक्टिव हुई है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण दशा है, चाहे सूरत से आ रहे लोग हों, चाहे अरे उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री देता है देश को साहब, इन्हीं के बल पर देता है, इनकी क्या दशा हो रही है? मुझे अफसर जो बताएगा सरकार उसको आंख मूंद के मान लेगी, वही सच्चाई है, आप जो दिखा रहे हो सच्चाई नहीं है। अभी प्रमोद जी कह रहे थे, प्रमोद जी कृपया कोई राजनीतिक दल राजनीति न करे, सहयोग करिए, गलती है उनको बताइए। और एक दृश्य खाली याद रखिएगा, इतिहास कभी माफ नहीं करेगा, 16 लोगों का परिवार जिसमें 4 बच्चे, 1 14 महीने का बच्चा, 1 प्रेग्नेंट औरत, और मुंबई से चले हैं वर्धा तक पहुंचे हैं, कुल 10 पैकेट बिस्किट और थोड़ा सा पोहा। सवाल मात्र नीति का नहीं है, मानवता का भी है, मजदूरों की ये दशा देखकर ये बात बिल्कुल तय है। हरिवंश राय बच्चन की लाइनें हैं। बघेल साहब,
कि ये महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु श्वेत रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ। ये बिल्कुल सटीक बैठ रही है बघेल साहब इन दृश्यों पर। जी जी आप बोलिए, फिर मैं तिवारी जी की बात सुनूंगा, प्रमोद तिवारी जी की। जी अच्छा, मैं जो कह रहा था कि आज वाला दृश्य तो आपने दिखाया, जब 1.5 लाख लोग 12 घंटे में आगरा होकर के आगरा मुंबई रोड से गुजरे थे बुंदेलखंड के, तब 1.5 लाख लोगों के लिए खाने का इंतजाम हम लोगों ने किया था, और रोडवेज की बसेस से, आर्मी के ट्रक से, और अन्य सारे स्कूलों की, मैंने खुद ये सुझाव दिया था, आगरा बहुत बड़ा एजुकेशन का हब है, सारे प्राइवेट स्कूलों की सारी बसें आगरा के लोगों ने दी और उन लोगों को 1.25 लाख लोगों को पहुंचाया। तब हमारे पास सूचना आ रही थी कि वो लोग वहाँ से नोएडा और गाज़ियाबाद से चल चुके हैं, तो आगरा आने में निश्चित तौर से 1 दिन 2 दिन लगाएंगे 180 किलोमीटर चला के। अब जो लोग आ रहे हैं उनकी सूचना नहीं थी। ये जो वारदात फॉर्मेट पे बात हो रही है तिवारी जी ने, फॉर्मेट से केवल एक बात का पता चल जाता है कि वहाँ पर इतने लोग हैं, हमें उनका इंतजाम करना है। और जो इस समय राजन जी भय भगदड़ और भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है, जो जहाँ पर है, जैसे कहा गया था कि जिनके पास राशन कार्ड है उनको राशन मिल रहा है, उनके खाते में 500 रुपये हो गए, जिनका राशन कार्ड नहीं है, मुख्यमंत्री जी ने कहा उनका राशन कार्ड भी भरवाएं और उसमें एफिडेविट और आय प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है, केवल सेल्फ अटेस्ट करना है, और वहाँ पर राहत आपदा की किट भी पहुँच रही है। तो थोड़ा भय भगदड़ भ्रम की स्थिति हो रही है, कुछ दृश्य ऐसे हो सकते हैं, मैं नकार नहीं सकता हूँ कि उन्होंने उनको 2 दिन से खाना मिला या 3 दिन से नहीं मिला, लेकिन संक्रमण से लोग जरूर मरेंगे, अभी भूख से कोई मौत नहीं होगी, क्योंकि इतना चैरिटी हो रही है, इतना लोग आ रहे हैं, सामाजिक संस्थाएं आ रही हैं, क्लब्स आ रहे हैं। आपकी बात से बघेल साहब मुझे लग रहा है, आपकी बात से मुझे लग रहा है कि आप स्वीकार तो कर रहे हैं कि कुछ जगहों पे गड़बड़ हुई होगी, 1.25 लाख लोग, लेकिन नीति में कहीं गड़बड़ नहीं है, आप ये कहना चाह रहे हैं। मैं प्रमोद तिवारी जी की बात सुन लेता हूँ, बहुत देर से कुछ टिप्पणी करना चाह रहे थे, फिर मैं आपके पास आता हूँ बघेल साहब, एक बार जरा प्रमोद तिवारी जी की बात सुन लीजिए। प्रमोद तिवारी, एक मिनट, मैं आ रहा हूँ आपके पास, अच्छा बोल लीजिए, बोल तिवारी जी, जी जी बोल बघेल साहब, कोई बात पूरी कर लीजिए। जी जी बघेल साहब, जी प्रमोद तिवारी, प्रमोद, हाँ बघेल साहब कर ले। प्रमोद तिवारी जी भी पीली जैकेट पहने हैं बृहस्पतिवार की, और मैं भी पहने हूँ, लेकिन दोनों में फर्क इतना है कि जरा मेरा ये कलर देखिएगा, ऊपर का और नीचे का, ये सोडियम हाइपोक्लोराइट के सैनिटाइजेशन से रंग उड़ गया है, आप देख रहे हैं ना ये व्हाइट। तो मैं 8 घंटे ट्रैक्टर चलाता हूँ, 8 घंटे, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा आंकड़े मुझे नहीं पता है, लेकिन इतना जरूर है कि आगरा मुंबई रोड पर जब ये लोग निकले थे, हमने 1.25 लाख लोगों का नहीं, एक और भी बहुत सारे अच्छे काम हुए बघेल साहब, ना ये सिर्फ आगरा बुंदेलखंड रोड पे नहीं, और भी बहुत सारी अच्छी चीजें हुई हमको, अगर राजन जी और भी बहुत सारी अच्छी चीजें हुई है, मैं इस बात से डिनाई नहीं कर रहा हूँ, कोई नहीं करेगा, ना बघेल साहब, आपके अच्छे कामों से कोई डिनाई नहीं करेगा। अभी मिश्रा जी ने, शिव गोपाल मिश्रा जी ने कहा कि बहुत तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें सर, मैं कहां अच्छे काम से डिनाई कर रहा हूं, कोई अच्छे काम से डिनाई नहीं कर रहा। हमारा बॉर्डर राजस्थान से भरतपुर पे है, हाँ। धौलपुर से हमारा राजस्थान से बॉर्डर है, और उधर भिंड मुरैना ग्वालियर मध्य प्रदेश से, इधर पलवल पे हरियाणा से, उधर नोएडा में दिल्ली से, हाँ। तो 5 राज्यों का बॉर्डर, अच्छा, है, सबसे बड़ी दिक्कत ये हो रही, अच्छा, है, ये व्यवहारिक दिक्कत बता रहे हैं। प्रमोद तिवारी जी की बात सुन लीजिए सर, समय पलवल पे हरियाणा, समय चूंकि सीमित है बघेल साहब, जरा प्रमोद तिवारी जी को सुन लीजिए, बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं जी। भरतपुर पे राजस्थान है, धौलपुर राजस्थान, ठीक ठीक प्रमोद तिवारी जी, बिल्कुल राजन जी, एक बात मुझे भी कही तिवारी जी, एक बार जरा प्रमोद तिवारी जी को सुन लेते हैं, फिर आपके पास आ रहा हूं मैं। बात हम लोग आगरा और फिरोजाबाद की नहीं, बात हम लोग सिर्फ आगरा फिरोजाबाद की नहीं कर रहे हैं, मैं बघेल जी को व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, ये हर रोज अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी आगरा आ जाते हैं, जनता के बीच में रहते, फिरोजाबाद रहते थे, बहुत लोकप्रिय है। मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, मेरा कहना ये है कि ये एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें आदमी अपना घर छोड़ के 2000 किलोमीटर पैदल चलने का फैसला तब लेता है जब बच्चे भूख से बिलबिलाते रहते हैं, उन्हें खाना नहीं दे पाता, तो एक बाप एक माँ एक ऐसे रास्ते पे चल पड़ते हैं जो कभी उन्होंने सोचा भी नहीं था। हमारी सहानुभूति उनके साथ होनी चाहिए, ठीक बात है। हम अगर उन्हें, जहाँ वो मजदूर थे, हमारी प्रदेश सरकार ने अगर उनके चूल्हे की आग को ठंडा ना होने दिया होता तो ये भगदड़ नमस्ती, और उसमें सारी प्रदेश सरकारें शामिल हैं सर, अगर इन्होंने उसमें कांग्रेस रूल स्टेट भी शामिल है सर, सारी प्रदेश सरकारें, मैं देखिए इस समय अगर दलों पे आएंगे तो दिक्कत होगी, नहीं नहीं मैं बता रहा हूँ, ये आपकी उत्तर प्रदेश की, मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, जो भी करे मैं उसकी बात नहीं,
मैं सिर्फ एक चीज़ कह रहा हूँ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम सबको बुलाएंगे, नहीं आ पा रहे हैं लोग, पैदल तभी तो चल रहे हैं जब सरकार से विश्वास छूट गया या वो उनको खाने पीने को वहाँ कुछ नहीं रह गया। अगर वहाँ पर अगर उनको सिर्फ खाने पीने को मिलता रहता तो ना होता। फिर मुझे जो पीड़ा है राजेंद्र जी, मैं सब जितने पैनल के लोग हैं जो सुन रहे हैं कहना चाहता हूँ, आज वो मजदूर जिसने इस देश को खड़ा किया आज़ादी के बाद, उसे सलाम करना चाहिए, सलूट करना चाहिए, जिसने सजाया मुंबई को, जिसने सजाया अहमदाबाद को। आज जब वो आ रहा है आफत कमारा 1,000-1,500 किलो पैदल चल के, तो उत्तर प्रदेश सरकार, मैं क्षमा चाहता हूँ सर, आपकी बात आ गई, आपकी बात आ गई, समय नहीं था, नहीं नहीं बिल्कुल, हाँ ये बात बिल्कुल ठीक, उनकी मुसीबत और परेशानी पे मौत का सौदागर, ना ना बिल्कुल ठीक नहीं है, समय इतना ही, मौत का सौदागर कह आई हम लोग गलत होकर ऐसे बयान का खंडन कर। और दूसरी बात मैं दूसरी बात भी कहना चाहता हूँ, समय इतना ही सर, मुझे माफी के साथ, मुझे माफी के साथ थैंक यू करना पड़ेगा, हमारी नेता ने कहा है थैंक यू करना पड़ेगा, आप सभी को माफी के साथ धन्यवाद करना पड़ेगा, इतना ही समय था। लेकिन आप सब ने बहुत महत्वपूर्ण चर्चा की, बहुत महत्वपूर्ण विचार रखे, हमारे दर्शकों ने भी जरूर ध्यान से सुना होगा और पॉलिसी मेकर्स भी जरूर इस पर ध्यान दे रहे होंगे। आप सभी का राजनीति देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।